हेलो एवरीवन, द स्मार्ट स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो एग्ज़ाम में आपको टाइम सेविंग में बहुत हेल्प करेंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 100 रुपये की राशि को 2 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया जाता है, तो 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा? मैं पहले क्वेश्चन में आपको 3 तरीके बताऊंगा, आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं वही तरीका यूज करूंगा जो उसके लिए बेस्ट होगा। आइए, पहला मेथड है ट्री मेथड। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। फ्रैक्शन वैल्यू तो आप निकालना जानते होंगे। 10% है, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 से डिवाइड करेंगे 1/10। मतलब अगर मूलधन 10 रुपये होता तो पहले साल में इस पे 1 रुपये ब्याज मिलके ये 10 से 11 हो जाता है, लेकिन इसने 2 साल का पूछा है तो इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। यानी अगर आप 100 रुपये 10% की दर से निवेश करते तो 2 साल बाद आपको 121 रुपये मिश्र धन प्राप्त होता, लेकिन इसने तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो 121 में से 100 घटाएंगे तो 21 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ये भैया रेशियो मेथड था। अब मैं आपको दूसरा ट्री मेथड बताता हूँ। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 है। अगर आपको 2 साल का पूछे तो जो बट्टे में होता है उसका स्क्वायर कर दो, अगर 3 साल का पूछे तो इसका क्यूब कर दो। तो 2 साल का पूछा तो इसके स्क्वायर को, 10 का स्क्वायर होता है 100, इसको मैं मूलधन मानूंगा, ठीक है। तो पहले साल अगर 10% की रेट होगी तो 10 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे। पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं। दूसरे साल 10% रेट से आपको 10 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन जो पहले साल में 10 रुपये ब्याज में प्राप्त हुए थे उस पे भी आपको 10% ब्याज मिलेगा, तो इसका 10% होता है 1 रुपये। तो कुल मिला के ब्याज हो जाएगा 10 + 10 + 1 = 21 रुपये। मूलधन अगर 100 रुपये होता, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 100 ही दे रखा है, इसलिए 100 की वैल्यू अगर 100 है तो 21 की वैल्यू भी 21 होएगी। ये हो जाएगा आंसर 21 रुपये। अब तीसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ, इफेक्टिव रेट वाला मेथड। इफेक्टिव रेट वाले मेथड में एक फॉर्मूला होता है x + y + xy/100। एक्स और वाई हर साल की जो रेट परसेंट होती है उसको डिनोट करते हैं। तो रेट परसेंट क्या दे रखी है, 10%, दूसरे साल भी 10% प्लस 10 × 10/100, 10 और 10 20 और 1 21। यानी 10% की रेट से किसी भी आप मूलधन को निवेश करोगे तो 2 साल में आपको 21% ब्याज मिलेगा। अगर 100 रुपये होते तो आपको 21 रुपये ब्याज के मिलते, और क्वेश्चन में 100 का मान 100 ही दे रखा है, इसलिए 21 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 900 की राशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश की जाती है, यदि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष है तो मिश्र धन कितना होगा? इसमें मिश्र धन पूछा है, तो मिश्र धन डायरेक्ट निकलेगा रेशियो मेथड से। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी 10 रुपये आप निवेश करोगे तो 1 रुपये ब्याज प्राप्त होके 11 रुपये आपको मिलेंगे 1 साल में, लेकिन 2 वर्ष का पहुंचा है तो इनका स्क्वायर कर दो। 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर होता है 121। अगर आपने 100 रुपये 10% की दर से निवेश किया होता तो 2 साल में आपको 121 रुपये मिश्र धन प्राप्त होता, ठीक है। लेकिन 100 रुपये की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 900, गुणा दे रखी है 9, तो इसका भी गुणा कर देंगे 9, तो 9 × 9 और 12 × 9 = 108, यानी 1089 आपको मिश्र धन प्राप्त होगा, तो 1089 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 वर्षों के लिए निवेश की गई किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित 10,125 है, यदि ब्याज की दर 25% प्रतिवर्ष है तो इन 2 वर्षों के बाद मिश्र धन ज्ञात करें। भैया मिश्र धन पूछा है,
इसके लिए बेस्ट तरीका कौन सा होगा? रेशियो मेथड। डायरेक्ट मिश्रधन निकलेगा उससे, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। भाई प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 25 एकम 25 और 25 चौक 100, यानी अगर 4 रुपये आपने मूलधन निवेश किया होता तो 25% की रेट से 1 साल बाद आपको 5 रुपये मिश्रधन प्राप्त होता। लेकिन इसने पूछा है 2 वर्षों का, तो इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। अगर आपने 16 रुपये 25% की रेट दर से निवेश किया होता चक्रवृद्धि ब्याज की रेट दर से, तो आपको 2 साल बाद 25 रुपये मिश्र धन प्राप्त होता। लेकिन इसने दे रखा है ब्याज, दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज का 2 साल का, तो ब्याज कितना मिला? 25 में से 16 जाएगा तो कितना आएगा? 9। इस 9 की वैल्यू दे रखी है इसने, 10,125, यानी गुणा कितने पे बैठा है? 9 एकम 9 1 बचा 9 एकम 9 2 बचा 9 दूनी 18 4 बचा 9 पंजी 45, 1125 गुणा बैठा है। तो पूछा क्या है मिश्रधन, तो इसको भी 1125 गुणा कर देंगे, 25 पंजे 125 का 5 हासिल की 2 25 दोनों 50 और 2 52 का 2 हासिल की 5, सॉरी 1125 से गुणा करना है, 1 मिनट, 25 गुणा 1125, 25 पंजे 125 का 5 हासिल की 12, 25 दोनों 50 और 12 62 का 2 हासिल की 6, 25 एकम 25 और 6 31 का 1 हासिल की 3, 25 एकम 25 और 3 28, तो मिश्रधन हो जाएगा 28,125 रुपये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ₹1,324 होता है, राशि ज्ञात कीजिए। आप इसको रेशियो मेथड से ही करिए। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। इसने दे रखा है 3 वर्ष का, तो 10 से 11 पहले वर्ष, तो 3 वर्ष का पूछा है, तो इसका क्यूब कर देंगे, 10 का क्यूब होता है 1,000 और 11 का क्यूब होता है 1,331। इसने ब्याज दे रखा है, तो अगर आप 1,000 रुपये निवेश करते हैं 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो 3 वर्ष बाद आपको 1,331 रुपये प्राप्त होते हैं। तो ब्याज कितना मिला? 1,331 में से 1,000 जाएगा तो 331 मिलेगा ब्याज, लेकिन क्वेश्चन में 331 की वैल्यू दे रखी है 1,324 गुणा 4 पे, और पूछा आपको मूलधन, तो इसको भी गुणा 4 करेंगे तो 4,000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 12,000 की धनराशि पर 5 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज 6,000 रुपये होता है। इसी धनराशि पर 3 वर्षों में समान दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? साधारण, एक बात बता दूं मैं आपको, साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। अगर पहले साल 200 रुपये मिल रहा है तो अगले साल भी 200 रुपये ही मिलेगा, और उससे अगले साल भी 200 रुपये ही मिलेगा। अगर 5 साल में साधारण ब्याज 6,000 रुपये मिलता है, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 6,000/5 यानी 1,200 रुपये प्राप्त होगा 1 साल में। तो रेट परसेंट निकाल सकते हैं आप यहाँ से, 1,200 12,000 का कितना प्रतिशत होगा? 2 0 से 2 0, 1 से 1, 120 में 12 का 10%, यानी 10% रेट आ गई। 3 वर्ष का पूछा है, तो वही 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 10 से 11, 3 वर्ष का है तो 1,000 से इनका क्यूब करेंगे 1,331, और दे रखा है इसने 12,000 की धनराशि। ठीक है, और पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 1,000 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12,000 गुणा 12 पे, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त हुआ? 1,331 में से 1,000 जाएगा तो 331, इसको भी गुणा कर देंगे 12 12 एकम 12। यूनिट डिजिट 2 होनी चाहिए, एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 2 है, तो यही आंसर हो जाएगा। आप आगे पूरा गुणा करके देख सकते हैं, 12 एकम 12 का 2 हासिल की 1, 12 36 और 1 37 का 7 हासिल की 3, 12 36 और 3 39 72, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
5120 की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित कितना होगा? अब अगर आप इसको इफेक्टिव रेट वाले तरीके से करेंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। आप रेशियो मेथड अप्लाई करिए। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं, डिवाइड करेंगे 100, 1 पॉइंट है तो 1 0 एक्स्ट्रा, 25 से 25 पंजे 125 और 25 चौक 140, इससे करेंगे 5 से जाएगा 8 बार, 1/8 है। ठीक है, अगर आप 8 रुपये निवेश करते हैं 12.5% की रेट से तो आपको 1 साल बाद 9 रुपये प्राप्त होंगे, लेकिन इसने दे रखा है 3 वर्ष का, तो 8 इनका क्यूब कर देंगे, 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729 रुपये। और दे रखा है, इसने पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। ठीक है, 500 चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 5 729 में से 512 माइनस घटाएंगे तो 9 में 2 गया, 7 2 में 1 गया, 1 7 में 5 गया, 217। अगर आप 512 रुपये 12.5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करते तो 3 वर्ष बाद आपको 729 रुपये मिश्र धन प्राप्त होता, तो 217 इस पे ब्याज हो गया, लेकिन क्वेश्चन में 512 की वैल्यू दे रखी है, 5120 रुपये गुणा दे रखा है 10 पे, तो इसका भी गुणा कर देंगे 10, तो 2170 इसका आंसर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया गया 5,000 का मूलधन 50% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों में कितना होएगा? अब देखिए भाई, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2, नीचे 100 से डिवाइड करेंगे तो 50 से 2 बार जाएगा 1/2, यानी अगर आप 2 रुपये मूलधन निवेश करते हैं तो 50% की दर से 1 साल बाद आपको 3 रुपये मिश्र धन प्राप्त होगा। इसने पूछा है 3 वर्ष का, तो इनका कर देंगे क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। अगर आप 8 रुपये 50% की दर से निवेश करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो 27 रुपये आपको मिश्र धन प्राप्त होगा। और पूछा क्या है इसने, मिश्र धन ही पूछा है कितना हो जाएगा, तो 8 की वैल्यू दे रखी है इसने, 5,000 गुणा कितनी दे रखी है, 8 6 48, 2 बचा 8 2 9 16 और 8 5 40, 625 गुणा दे रखी है, तो इसका भी 625 कर देंगे गुणा। ठीक है, अब 27 से इसको गुणा करेंगे, 27 पंजे कैसे करेंगे, 27 का अगर पारा नहीं आता तो पहले 20 को कर लो 5 से, 20 5 100 और 7 5 35, 20 5 100 और 7 5 35, यानी 135 का 5 हासिल किया गई, 13। अब 27 को करना है 2 से 27 2 54 और 13 67, 67 का 7 हासिल की 6। अब 27 को करना है 6 से, 20 को कर लो पहले 6 2 12 120 और 7 6 42, 120 और 42 162 और 6 हासिल का, 142 और एक 6 2 12 120 और 7 6 42 162 और 6 168, यानी 16,875 रुपये आपको मिश्र धन प्राप्त होएगा। कौन से ऑप्शन में है 16,875? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित राशि पर 10% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1623 है, यह राशि है 2.5 वर्ष दे रखा है, 10% की रेट है, 10% कितने साल में, 1 साल में 10% मिलता है। अगर मैं पूछूं आपको कि 6 महीने में कितना मिलेगा, तो 10% है 12 महीने का, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 6 6 का पूछा है तो 6 से गुणा 2 बार 5%, यानी जितने गुणा अगर टाइम होगा उतने ही गुणा रेट परसेंट होएगी। ठीक है, ये देखना आप, पहले 2 साल, पहले साल 10% की रेट होएगी, उसके अगले साल भी 10% की रेट होएगी, लेकिन उसके अगले साल टाइम 3 साल का पूरा नहीं पूछा, आधा ही पूछा है 6 महीने का, तो 10 का भी आधा ही हो जाएगा 5%, यानी रेट 5% हो जाएगी। ठीक है,
अब रेशियो मेथड लगा दीजिए इस पे, पहले साल 10 से 11, दूसरे साल भी 10 से 11, तीसरे साल 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, यानी 5/100 करेंगे तो 1/20 आ जाएगा, यानी 20 से 21 रुपये बन जाएंगे। अब इनको गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 2000, इसको गुणा करना है आपको 21 × 11 × 11, 11 का आप शॉर्टकट अप्लाई करिए। जब भी किसी संख्या को 11 से गुणा करना हो तो देखिए, ये एक को ऐसे की ऐसे लिख दीजिए, 2 और 1 3 और 2 का 2 231, फिर इसको 11 से करना है तो 1 3 और 1 4, 3 और 2 5, 2 का 2, यानी 2541 मिश्रधन प्राप्त होता। अगर आप 2000 रुपये 10% की दर से 2.5 वर्ष के लिए निवेश करते तो आपको 2541 रुपये मिश्रधन प्राप्त होता। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला, 2541 में से 2000 जाएगा तो 541 आ रहा है, तो 541 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1623 गुणा दे रखी है 3 पे। आपको पूछा है मूलधन, तो इसका भी गुणा 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6000 रुपये, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट करते हैं, 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 15625 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है यदि ब्याज को 8 माह पर संयोजित किया जाता है। भैया 12 महीने में 12% रेट मिल रहे, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, 8 महीने की पूछ रहा है, तो 8 महीने में कितना बनेगा। भाई 12% है 12 महीने की, तो 8 महीने की पूछ रहा है, यानी 8% की दर हो जाएगी, और 2 वर्ष में भाई टाइम कितना होता है, 24 माह होते हैं, तो 8 8 महीने के 3 स्लॉट बनेंगे, पहले 8 महीने, अगले 8 महीने, फिर 8 महीने, तभी 24 महीने पूरे होंगे। तो देखिए भाई रेट परसेंट आ गई 8%, और 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25, ठीक है, यानी अगर आप 25 रुपये आपका मूलधन होता तो 1 साल बाद 2 रुपये ब्याज मांग के वो 27 रुपये बन जाता है, लेकिन इस भाई 3 साल 3 स्लॉट होंगे 8 8 महीने के, तो इनका क्यूब कर दीजिए, 25 का क्यूब होता है 15625 और 27 का क्यूब होता है 19683, ठीक है। वो क्वेश्चन में 15625 की वैल्यू 15625 ही दे रखी है गुणा 1 पे, और अपने को पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो इनमें से घटा देंगे, 3 में 5 नहीं जाएगा, तो 13 में 5 गया तो 8 यूनिट डिजिट 8 होनी चाहिए, इसकी नहीं है, इसकी नहीं है, ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं, इधर बचा 7 में से 2 गया तो 5, यानी 58 आना है, तो लास्ट 2 डिजिट 2 डिजिट, तो ये 88 है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा आपका। आगे आप कर सकते हैं, 6 में से 6 गया 0, 19 में 15 गया 4000, तो 4058 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करिए, 10000 रुपये की राशि पहले तथा दूसरे वर्ष के लिए क्रमशः 2% तथा 3% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया जाता है, 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा। हम इसको करिए आप इफेक्टिव रेट वाले तरीके से, वो बेस्ट रहेगा। इफेक्टिव रेट वाला तरीका कौन सा था, x+y+xy/100, तो x क्या है, 2 + 3 + 2 × 3/100, तो कितना हो गएगा, 2 और 3 5 और 6/100 यानी 0.06, तो 5 और 0.6 कितना होगा, 5.06, यानी अगर आप 100 रुपये निवेश करते हैं तो इस पे 5.06% ब्याज आपको 2 साल में मिलता है, अगर पहले साल 2% रेट हो और दूसरे साल 3%, ठीक है। लेकिन मूलधन है कितना भैया, 10000 रुपये दे रखा है, तो 10000 रुपये का आपको निकालना है 5.06% / 100, 2 2 0 एक्स्ट्रा, 1 2 3 4 0 से 1 2 3 4 कितना होता, 506, यही आपका आंसर हो जाए आंसर होगा। तो देखिए भाई ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये मैं अभी कुछ एक ही क्वेश्चन लाया था आपको, केवल एक इंट्रो क्लास थी, अगर आपको सीक्वेंस में पढ़ना है तो आप ज़रूर बताइए, ठीक है।